अस्सलामु अलैकुम, मैं लॉ इस्लाम एनएन चैनल से मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, मुस्कुराहट से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी भी भलाई को हकीर हरगिज न जानो, अगरचे तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना ही क्यों ना हो। अब्दुल्ला अल हारिस बिन हजमर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराती हुई किसी को नहीं देखा। तिर्मिजी, किसी से मिलते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट ये साबित करती है कि वो शख्स बाएखलाक है। उस खूबी का हामिल इंसान अपने दूसरे भाई के दिल में खुशी की लहर पैदा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से वाजा होता है कि इस्लाम में मुस्कुराहट के साथ मिलना पसंदीदा अमल है। चीनी कहावत है कि जो शख्स उम्दा तरीके से मुस्कुराना नहीं जानता, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। इससे पता चलता है कि सच्ची मुस्कुराहट दिल की गहराई से उठती है। ये मुस्कुराहट जादू जैसा असर करती है और मिलने वाले को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींच लेती है। सच्ची मुस्कुराहट चेहरे को रौनक और चमक दमक देती है। मस्नूही मुस्कुराहट के पीछे मकर व फरेब की जुल्मतें छाई होती हैं। उल्मा कहते हैं कि हम में से हर इंसान के अंदर कुछ केमिकल मवाद ऐसे हैं जिन्हें हमारे जिस्म के आज़ा खौफ या गमी या बेचैनी या परेशानी के वक्त खारिज करते हैं। अगर मिलने वाला शख्स आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा हो तो ऐसी सूरत में केमिकल मादे बहुत मामूली मकदार में खारिज होते हैं। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? जवाब ये है कि मुस्कुराहट आपके जहन पर तारी किसी भी खौफ या आने वाले शख्स के हवाले से जन्म लेने वाले खदशात को ख़त्म कर देती है। नतीजे के तौर पर आपके जहन में ये बात अस खुद पेवस्त हो जाती है कि आने वाला शख्स खतरे से खाली है। इससे पता चलता है कि जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। हमें ये जान लेना काफी है कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके चेहरे के 5 से 13 अज़लात हरकत में आते हैं, और जब इंसान गुस्से में या परेशानी की हालत में होता है तो उसके चेहरे के 4 से 7 अज़लात मुतहर्रिक होते हैं। मुस्कुराहट और हंसी में फर्क ये है कि मुस्कुराहट दायमी कैफियत का नाम है, इसे हल्की फुल्की हंसी का नाम भी दिया जाता है, जबकि हंसी आर्जी हालत होती है। मुस्कुराहट खुशी पर फित्री रद अमल का दूसरा नाम है, जबकि हंसी बसाओका दर्दनाक हादसे पर रद अमल का भी नतीजा होती है। मुस्कुराहट अंदरूनी खुशी और सुकून की अलामत होती है, जबकि हंसी किसी हंगामी नागहानी हालत का नतीजा होती है। मुस्कुराहट का असर देर तक बाकी रहता है, जबकि हंसी का असर जल्द जायल हो जाता है। मुस्कुराहट तवज्जो अनकसारी की दलील है, जबकि हंसी और कहकहे के साथ हो तो गुरूर की निशानी मानी जाती है। मुस्कुराहट हंसी से ज्यादा मुश्किल काम है। मुस्कुराहट मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ तबीयतों और मुख्तलिफ मिजाज अफराद से मेल मिलाप के वक्त आती है, जबकि हंसी इंतहाई बेतकल्लुफ किस्म के लोगों के साथ ही नमूदार होती है। मुस्कुराहट में एक अदब शामिल होता है, जबकि हंसी अदब के दायरे से खारिज भी हो जाती है। ताज़ा तरीन जायजे में बताया गया है कि खुशी का एहसास इंसान को दिल के दौरे, दिल के अमराज, हार्ट अटैक और डायबिटीज की तकलीफ से बचाता है। खुशी का एहसास मोटापे और अमल में मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखता है। कभी ऐसे शख्स के पास जाकर जिससे आप नाराज हों, वो आपको देखकर मुस्कुरा दिया हो, सुकून और आराम महसूस किया? क्या आप अपने भाइयों और दोस्तों के सामने मुस्कुराकर कलबी इत्मीनान महसूस करते हैं? अगर आप बीमार हों और मायने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे हों और मालिज ने आपको मुस्कुराहट के साथ देखा हो, तो क्या उसकी मुस्कुराहट की बदौलत आपने अपने जिस्म में
सेहत की लहर दौड़ती भी महसूस की। क्या आपको मालूम है कि मुस्कुराहट इंसानी जहन और दिमाग पर जादू जैसा असर करती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के लिए अपने अंदर कोई कशिश महसूस की जो आपको देखते ही मुस्कुराने लगता है? समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इक्तिसादी और सफारती उमूर को उजागर करने के लिए मुस्कुराहट की बाकायदा तालीम व तलकीन की जाती है। क्या आपको मालूम है कि 20वीं सदी के शुरू में मुस्कुराहट को बाकायदा इल्म का दर्जा दे दिया गया? यकीन कीजिए कि प्यारी बड़ी मुस्कुराहट अनमोल होती है। नाज़रीन कराम, मुस्कुराने की आदत डालिए और तमाम बीमारियों को घर से निकालिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और लॉ इस्लाम एनएन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामान खुदा।